kelo verna le o bola हिंदू धर्म में अनेकों पर्व त्योहार जिन्हें हम उत्साह से मनाते हैं, लेकिन तेशु एवं झिंझिया का विवाह, जिसको आज हम भूलते जा रहे हैं, हमारी नई युवा पीढ़ी जो आज मोबाइल आधुनिक उपकरणों में व्यस्त है, वहीं ये लोक परंपरा को जो महाभारत काल से चली आ रही है, लोग उसे भूलते जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं महाभारत काल की इस लोक परंपरा जिसे आज हम तेसु झोंझी का विवाह के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है उस दौरान जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो योद्धा भीम के पौत्र बर्बरिक, जो कि महाभारत के युद्ध देखने के लिए आए थे, तभी उन्हें रास्ते में झोंझी से प्रेम हो गया, लेकिन उन्होंने युद्ध से लौट कर वापस विवाह करने के वचन देकर वहां से चले गए। लेकिन युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने पर बर्बरिक का श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सर काट दिया था, लेकिन वरदान होने की वजह से बर्बरिक फिर भी जिंदा रहे। इस दौरान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आगामी प्रत्येक वर्ष इंसानों की शादी विवाह शुरुआत होने के पहले तुम्हारा विवाह होगा, उसके बाद शालक शुरू की जाएगी, तभी से यह लोक परंपरा मनाई जाती रही है। लेकिन हाल में युवा पीढ़ी इसे भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल क्षेत्र में तेसु और झिंझिया का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह आयोजन कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसमें सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तेसु के दरवाजे से बरात लेकर झिंझिया के दरवाजे जाते हैं, जहां पंडित व विद्वान मंत्रों, उच्चारण एवं रीति रिवाज के साथ विधिवत शादी संपन्न कराते हैं, और जिसके बाद ही हिंदू धर्म में शालक की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पंडित संजय शुक्ला। झोंझी और तेसु का विवाह, ये जो झोंझी और तेसु है, मनाने का कारण ये है कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के बेटा घटोत्कच का लड़का बर्बरिक, जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका कहना था कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हारना दुर्योधन को है और ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसका विवाह भी रचा था झोंझी के साथ में और उसको मरवाया। और मरने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम ये गलत कर रहे थे। लेकिन उसकी एक लालसा थी विवाह की झोंझी की, जो भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मुहूर्त होगी विवाह की, वो सबसे पहले तुम्हारी होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, इसके बाद में शालक शुरू हो जाएगी। तब से ये रीति रिवाज आरंभ हो गई और अभी तक चल रही है।